मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और अपनी चार लाइनें रखता हूँ। मैं बिना भूमिका के अपनी बात कहता हूँ और बात महाराष्ट्र तक पहुँच जाए तो समझ लीजिएगा कि कहीं बुलडोजर कहीं पत्थर कहीं कुछ और चला है। कहीं बुलडोजर कहीं पत्थर कहीं कुछ और चल रहा है, लगाकर आग बने अग्निवीरों का शौर्य जल रहा है। अब महाराष्ट्र की राजनीति को देखा तो ये जाना, ये सच जानिए, ये कंगना के बदुआओं का दौर चल रहा है। और मैं चार लाइन और कहता हूँ, उसको सुनिए। मेरे गुरुजी आप दंदार महर्षि जी हैं, मैं इन्हीं को अपना गुरु माना हूँ और इनको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मैं अपनी चार लाइनें लिखता हूँ कि पाने को मोहब्बत बूता लगाइए। सुनिएगा अधिक जी, पाने को मोहब्बत बूता लगाइए, पार न हो पहले सूता लगाइए, इश्क की खुमारी मिर्गी में बदले, इश्क की खुमारी मिर्गी में बदले, झट से निकाल पहले जूता सुंघाइए। और 19 तारीख को मेरा प्रोग्राम था, वो अग्निवीरों के वजह से अग्नि की बलबेदी चढ़ गया। खैर, मैं उसी दिन अपनी एक चार लाइन लिखा, अच्छा है या बुरा ये आपकी तालियां मुझे बता देंगी। आज हारा हूं मगर ये हार नहीं है, आज हारा हूं मगर ये हार नहीं है, जो कहा ये कोई रार नहीं है, मैं फिर लौट कर आऊंगा तेरे अधरों पर, मैं फिर लौट कर आऊंगा तेरे अधरों पर, ये खुद से ही किसी और से तकरार नहीं है, ये खुद से किसी और से तकरार नहीं है। और मैं इस मंच का आयोजक, जैसा आप जानते हैं आयोजक हूं, तो मैं रेस का वो घोड़ा हूं जो आंख पे पट्टी लगाकर सीधा दौड़ रहा है, पीछे क्या हो रहा है मुझे कोई मालूम नहीं। तो मैं उस रेस में लग रहा है जीतने के कगार पे हूं, तो मैं जीतने के कगार पे अपनी आखिरी पंक्ति पढ़ता हूं और उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। मैं अपनी एक रचना पढ़ता हूं, मेरे सामने बहुत प्रबुद्ध जीव बैठे हैं, मैं सबको एक साथ प्रणाम करता हूं और ये मेरे दादा की स्मृति में हो रहा है। और बहुत सब सौभाग्यशाली पुरुष हूं, लड़का हूं, छोटा बच्चा हूं, जिसको अगले शनिवार को बिटिया पैदा हुई है, उसके लिए भी आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। और मुझको सुनने के लिए मेरे पिता यहां बैठे हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं और अपनी रचना पढ़ता हूं कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा। गुरुजी, मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने पत्नी के पास भागा। मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने पत्नी के पास भागा। पत्नी ने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में आप तो अभी कच्चे हैं, मगर राजनीति में भी तो आप कच्चे हैं। मैंने कहा अरे भगवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा, उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। और मैं सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे, कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण और समय के बाद हर जगह किया पदार्पण। आपने फिल्मों में देखा होगा नेता और पुलिस सबसे पीछे आते हैं, तो कुछ जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, विसंगतियां सुनिएगा साहब, कितने फोन आया, एक सौ यात्रा में मुझको बुलाया गया, एक सौ यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। मैंने भी आओ देखा न ताओ, बिना जाने जनता का भाव, पांच चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो चाहे चाहे हो अंधा। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो चाहे चाहे हो अंधा। मेरे पीए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, मेरे पीए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, मेरे पीए ने मुझको रोक टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भाग गया, नंगे पांव वहां से भाग गया, अब मैं जान
पाया हूँ कि राजनीति आसान नहीं है, अब मैं जान पाया हूँ कि राजनीति आसान नहीं है, तब कहता हूँ कि मैं उल्टे पांव वहां से भाग गया, खुली आंख और मैं नींद से जाग गया। अब मैं कहता हूँ भैया कि मैं अब राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।